ईश्वर ही है और है कौन। सवाल कितने छोटे होते हैं मगर कैसा जादू होता है। राइट टाइम पर राइट सवाल पूछकर लोग राइट टाइम पर रॉन्ग सवाल पूछते हैं, रॉन्ग प्लेस पर राइट सवाल पूछते हैं, रिजल्ट नहीं आती। राइट प्लेस पर राइट टाइम पर राइट सवाल। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें।
तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन, स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आप का स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सरल सवाल पूछो। सवाल कितने छोटे होते हैं मगर कैसा जादू होता है। राइट टाइम पर राइट सवाल पूछकर लोग राइट टाइम पर रॉन्ग सवाल पूछते हैं, रॉन्ग प्लेस पर राइट सवाल पूछते हैं, रिजल्ट नहीं आती। राइट प्लेस पर राइट टाइम पर राइट सवाल। तो इच्छाओं की लाइन शुरू हो गई और ये चलाएं मगर न जलाएं बल्कि जगाएं। इस समझ के साथ हर एक अपनी इच्छा को देखे। कुछ लोगों की इच्छा है मुझे कोई हमराज चाहिए, हमराज
हमराज यानी जिसको मैं शेयर करूं, जिसको मैं बताऊं, वो किसी और को न बताए, ऐसा कोई हो जिससे मैं शेयर करूं, चाहिए उसको हमराज। आप में से कितने लोग हैं जिनकी ये इच्छा है, वे हाथ ऊपर करें जो हमराज चाहते हैं। हाँ देखो कई हाथ ऊपर हुए, कई लोग हिचकिचा रहे हैं, ये भी मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। खैर हमें मतलब है टॉपिक समझने से, तो कुछ लोगों की इच्छा है हमराज चाहिए, कुछ लोगों की इच्छा है साहस चाहिए। साहस सब है बाकी साहस नहीं है, डर रहता है, साहस चाहिए। तो कितने लोगों की ये इच्छा है साहस चाहिए, वे हाथ ऊपर करें। देखो हाथ ऊपर करने का साहस तो आ गया अभी। क्योंकि हमें मालूम है जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे जीवन में आता है, साहस आता है, सही तरीका आता है, सही सवाल आता है, हमें सही प्रार्थना करना आना चाहिए। क्या नहीं चाहिए पर फोकस न रखते हुए क्या चाहिए उस पर फोकस रखना है, इसे शुभ इच्छा बनाना है। शुभ इच्छा के बाद तेज इच्छा पर जाना है। कुछ लोगों की इच्छा है आशा चाहिए, आशा निराशा है जीवन में, उनको आशा चाहिए। कितने लोगों की ये इच्छा है कि मुझे आशा चाहिए, वे हाथ ऊपर करें। हाँ कई लोगों ने हाथ ऊपर किया, वे आशा चाहते हैं। कुछ लोगों की इच्छा है हमें स्फूर्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, वे लोग हाथ ऊपर करें। हाँ हाथ नीचे करते हैं। ऊर्जा चाहिए, वो तमोगुण, थोड़ी चुस्ती नहीं है, सुस्त सा जीवन चलता है, सुस्ती होती है शरीर में, ऊर्जा चाहिए, करना चाहते हैं, शरीर साथ नहीं देता, तो कुछ लोगों की ये इच्छा होती है। कुछ लोगों की इच्छा है कि हम कुदरत के साथ तालमेल महसूस करें, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, उनके साथ हमारा तालमेल हमें महसूस हो, हम एक हैं, ऐसी फीलिंग आए, वे हाथ ऊपर करें। हाँ यस, देखो इच्छाएं एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती है हमें हुनर चाहिए, कला चाहिए, हमारे अंदर क्षमता चाहिए, कुछ तो बात हमारे अंदर है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, ऐसा कोई हुनर, ऐसी कोई कला, ऐसी क्षमता, वे लोग हाथ ऊपर करें। हाँ अनेक लोग हैं ये इच्छा रखते हैं। और कुछ लोग हैं जो खुद से मिलन चाहते हैं, खुद से मिलना चाहते हैं, वे हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ सभी है, खुद से मिलना, खुद इंसान आया खुद से मिलन करने, ताकि खुदा में फना हो। खुद से मिलन के साथ क्या होगा, खुदा में फना। ये मिलन शब्दों में कैसे बताया जा सकता है, मगर कोई तो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कि देखो इच्छाएं कैसे ऊपर ऊपर की तरफ जाती हैं, शुभ इच्छा बनती हैं, फिर तेज इच्छा बनती हैं। ये सब इच्छाओं के साथ इंसान आज़ादी चाहता है, आज़ादी चाहता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, हर एक अलग अलग दिवसों को आज़ादी को याद करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये इच्छा अंदर है हर इंसान के अंदर। और उसके बाद कुछ लोगों की ये इच्छा बनती है निस्वार्थ जीवन, परोपकार जीवन, कि मेरा पूरा जीवन निस्वार्थ जीवन हो, दूसरों के मंगल के लिए काम में आए। ऐसे कितने लोगों की इच्छा है, ये भी सभी चाहते हैं। देखो जैसे हम मुक्त होते जाते हैं, हमारे अंदर निस्वार्थ जीवन की शुभ इच्छा जगती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं।
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।